फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी वाई वन के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो काफ़ी अपडेट्स अगर आप जान रहे होंगे कि MIUI 10 की अपडेट्स, काफ़ी अपडेट मोबाइल्स जो हैं, हालांकि पुराने से पुराने मोबाइल हैं, उनको मिल चुकी है, तो अब हमें क्यों नहीं मिल रही, तो इस बारे में आज हम कर लेते हैं थोड़ी सी बात कि इसके बारे में अब क्या किया जाए। अपडेट तो भाई हमें नहीं मिल रही। मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैं आपको डेट बताऊँगा, ये बताऊँगा, मैं सिर्फ इसके बारे में आज एक बात करने वाला हूँ, जो कि एक तरह से मेरा ओपिनियन है। मैं सिर्फ आपके सामने अपना ओपिनियन शो करने वाला हूँ। मैं ये नहीं करने वाला कि भाई आपको मैं इतनी डेट बता रहा हूँ, शायद हमें अब तक मिल सकता है अब तक, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी आप भी जानते होंगे कि मैं खुद भी ऐसी वीडियोस बना बना कर थक गया हूँ, क्योंकि न्यूज़ वो खुद अब बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे भाई, सब मोबाइल्स के लिए आ रही हैं। हालांकि मेरी कल ही एक वीडियो मैंने अपलोड की होगी, आपको पता है कि मैंने उसमें बताया था कि लिस्ट ऑफ किन डिवाइसेज में एंड्रॉइड पाई आएगा, तो मुझे जाहिर सी बात है वो लिस्ट मिली है, तो मैंने आपके सामने शो किया ना, MIUI की तरफ से ऑफिशियल लिस्ट मिली है मुझे। तो इसमें दौरान फ्रेंड्स मुझे ये जो रेडमी वाई वन है, इसके बारे में कोई मुझे नहीं खबर मिल रही, क्योंकि MIUI पता नहीं क्या कर रहा है, हमें बिल्कुल भी नहीं बता रहा इस बारे में कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बात इस मजीद। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच सके, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रेडमी वाई वन के बारे में। बहुत हो गई भाई, अब हमने जान लिया कि हमें अपडेट मिलेगा। YouTube पर भी काफ़ी वीडियोस आई, काफ़ी लोगों ने अपनी वीडियोस बनाई अपने ओपिनियन के हिसाब से, कुछ ने तो फेक बनाई, कुछ ने तो ऐसे बनाई, मगर हालांकि उन्हें व्यूज़ मिल गए, वो अलग बात है भाई। मेरा मकसद व्यूज़ लेना नहीं, मेरा मकसद सिर्फ आप तक एक बात पहुँचाना है, तो मैं यही एक अपना ओपिनियन आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे लगता है, अब इनका जो MIUI इंडिया का जो इनका मतलब ऑफिशियल फॉर्म है, वहाँ पर हम जाकर अगर मैसेज अगर कमेंट भी करते हैं, तो 100% नहीं है कि हमें वो उसके चांसेस वगैरह मिलेंगे रिप्लाई के या नहीं। आप ख़ुद भी सोचें, हमें ये नहीं पता कि हमें उस पर हमारी जो बात है उसका रिप्लाई मिलेगा या नहीं, नहीं मिलेगा। जहां तक मुझे लगता है वो इस बात को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उनके पास ऐसे मैसेजिंग काफ़ी आते हैं, और जाहिर सी बात है वो ऐसे जो भी मैसेज होते हैं उनको मुझे लगता है कि वो इग्नोर कर देते हैं, या शायद ऐसा कोई चक्कर है। तो इस दौरान अब हमें क्या करना चाहिए कि हम इस रेडमी वाई वन से निकलें। फ्रेंड्स, जबकि एक तरह से उनकी डिवाइस चल रही है, मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर उनकी डिवाइस चल रही है, जाहिर सी बात है उनकी जब डिवाइसेस चलना बंद हो जाएंगी, मैं ये नहीं बता रहा कि आप अपने मोबाइल्स को बंद कर दो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे कीजिए, आप अपने मोबाइल्स को चेंज करा लीजिए, क्योंकि कोई मसला नहीं है अब हमें, क्योंकि एंड्रॉयड पाई MIUI 10, ये दोनों चीज़ें अब छोटे से छोटे मोबाइल्स में मिल रही हैं, क्योंकि जो भी रेडमी के मोबाइल्स हैं उनमें मिल रही हैं। एंड्रॉयड पाई की भी जो अपडेट है वो भी अब रेडमी में आ रही है, उसके साथ MIUI सीरीज में आ रही है, MIUI 10 काफ़ी से मोबाइल्स में आ रहा है, मतलब काफ़ी मोबाइल्स में आ गया, हालांकि सबको मिल चुका है, तो दूसरे मोबाइल्स को सबको मिल रहा है। हमें चाहिए हम उनमें से लें, या हम रेडमी वाई को ही लेकर घूमते रहें कि भाई इसमें अपडेट मिलेगी, इसमें अपडेट मिलेगी, अब मिलेगी, तो भाई हमें क्या, हम क्या सिर्फ एक ही फ़ोन से जुड़े हुए हैं? हमें चाहिए कि हम अपना मोबाइल जो है उसको चेंज कराएं, हमें ये मोबाइल्स नहीं चाहिए। और जो भी इनका कमेंट है, वहाँ जाकर एक अच्छा सा कमेंट, मतलब भले ही गालियों भरा उनको कमेंट लिखो, क्योंकि उन्होंने हमें जो चीज़ प्रोवाइड करने का वादा किया था, जाहिर सी बात है मोबाइल न्यू था, इनको अपडेट देना लाजमी था। हमें काफ़ी यूट्यूबर ये वीडियो बना रहे हैं, भाई उनका रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अपनी तरफ से शायद वो न्यूज़ें बना रहे हैं, मगर मैं उन न्यूज़ों को नहीं देख रहा, मैं अपना ओपिनियन देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये डिवाइस यूज़ करनी चाहिए। हालांकि अगर मेरे पास ये डिवाइस होती तो मैं कब से, हालांकि या तो मैं इसे बेच चुका होता या फिर मैं इसे फेंक देता, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा कि ये MIUI 10 के लिए वीडियो इतनी बनाई है मगर इनकी अपडेट नहीं आ रही। हालांकि काफ़ी यूज़र्स मेरे, मुझे पता है मेरे जितने भी हैं, मतलब जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से आधे सब्सक्राइबर नहीं तो कम अज़ कम मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे जो रेडमी वाई वन से बिलोंग करते हैं, या वो उनके यूज़र्स हैं रेडमी वाई वन के, तो वो रोज़ाना हो सकता है कि वो मेरे चैनल पर भी रोज़ाना आते हों, ये भी देखते हों कि मैंने रेडमी वाई वन के लिए कोई वीडियो बनाई है या नहीं। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे ये बोलते हैं कि भाई आप रेडमी वाई वन के लिए एक कोई न्यू वीडियो बनाओ हमारे लिए इन्फॉर्मेशन। भाई मैं अब आपके लिए, मैं सिर्फ ये मैं आपको ताना नहीं दे रहा, सिर्फ मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं अब क्या करूँ, सिर्फ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो इसलिए मैंने आज शेयर किया, मैंने बोला कि मैं अपना ओपिनियन ही आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे खुद गुस्सा आ रहा है इस MIUI इंडिया पर कि ये क्या कर रही है, सिर्फ हमें अपडेट ही नहीं दे रही, तो मोबाइल के अंदर खाक के लिए बनाया हुआ है, फिर मोबाइल या तो मोबाइल ही ना दें या तो मोबाइल को बंद कर दें। भाई जब हमने अपडेट ही नहीं देनी, जब आप लोग अच्छे बड़े मोबाइल्स पर कर रहे हो, भाई ये तो छोटा मोबाइल तो है नहीं, मुझे पता है जब छोटे मोबाइल्स को अपडेट MIUI 10 की मिल गई है, तो ये क्या क्या बोलूँगा मैं इस मोबाइल को, तो मुझे भी काफ़ी गुस्सा आ रहा है इन पर।
तो अब मैं, मेरा सिर्फ ओपिनियन, मेरा आपसे शेयर करने का ओपिनियन यही था कि मैं अगर होता तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल चेंज करा लेता या कोई और मोबाइल ले लेता, क्योंकि मोबाइल दुनिया में बहुत हैं, बहुत हैं, क्योंकि इससे अगर हम अपना मोबाइल चेंज करेंगे तो लॉस उनका होगा। अगर मैं ये नहीं कहता कि अब आप जब भी लें MIUI 10 के लिए आप शाओमी का ही लें, दूसरे मोबाइल्स भी हैं, सैमसंग भी है, और भी काफ़ी मोबाइल्स हैं जो इनमें से अच्छे हैं, हवावे के हैं, होनर के हैं, काफ़ी अच्छे मोबाइल्स हैं, शाओमी से भी अच्छे मोबाइल हैं, आप उनमें से कोई ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें अपडेट अब आएगी, क्योंकि वेट कर करके आपको भी खुद पता है कि आप भी खुद बहुत जलील हुए होंगे, मैं भी खुद हुआ हूँ, मैंने भी काफ़ी इंटरनेट पर सर्च किए मगर कोई भी न्यूज़, हर जिस वेब पर जाते हैं वो खुद से अपनी ही एक न्यूज़ बना कर देते हैं, भाई मैंने तो आपको पता है मैं सिर्फ MI की लेता हूँ न्यूज़, मैं कोई भी अपनी तरफ से, या कोई, मैंने आपको पहले ही काफ़ी वीडियो में बताया कि मैं किसी भी वेबसाइट से नहीं उठाता, हालांकि मैं विज़िट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई वहाँ पर हमें कुछ बताया जा रहा है या नहीं MI पर, उसके बारे में कोई न्यूज़ वगैरह है या नहीं, तो ऐसे ऐसे मैं चीज़ें बनाता रहता हूँ, मगर मैं उनमें से कोई भी ऐसी न्यूज़ वगैरह जो होती है वो मैं लेता नहीं हूँ वहाँ से, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर फेक भी हो सकती हैं न्यूज़ वगैरह, क्योंकि वहाँ पर राइट करने वाले खुद लोग होते हैं, हालांकि वो कंपनी नहीं होती, डेवलपर नहीं होते, तो इस हिसाब से मैं वहाँ से न्यूज़ वगैरह नहीं लेता, तो मैं सिर्फ MI का ही इंतज़ार करता हूँ कि कब हमें इसमें अपडेट मिले और कब हमें इसकी न्यूज़ मिले, तो मैं यहाँ पर बनाऊँ। तो फ्रेंड्स बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मोबाइल चेंज करना चाहते हैं तो अब आप अपना मोबाइल आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अपडेट मुझे नहीं लगता कि ये मिलेगी, क्योंकि सब मोबाइल्स को मिल चुकी है और अब MIUI 11 पर काम हो रहा है, MIUI 10 को तो अब बस दे दी अपडेट और Redmi Y1 लगता है रह गया है। तो फ्रेंड्स अब आप करें ऐसा कि अगर इसकी अपडेट आ भी जाती है तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आप मोबाइल चेंज कर सकते हैं, मोबाइल कोई और लें, अगर शाओमी का मोबाइल ना लेना अब कोई चेंज लेना, ताकि उनको भी पता लगे कि उनका लॉस हुआ है काफ़ी, तो आपने और कोई मोबाइल लें जो कि अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स ये यही थी जो मैंने आप इस आज इस वीडियो में आपसे बात करनी थी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब मेरी अगली वीडियो में, तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप ऐसे ही अपडेट्स इस चैनल से चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करते जाइए, ताकि जब भी फ्यूचर में ऐसी कोई वीडियोज़ लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब मेरी अगली वीडियो में।